जानते हैं आज ली प्रीस्ट की लाइफ के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो ली प्रीस्ट का पूरा नाम है ली एंड्रयू प्रीस्ट मैक कटच्योन, ये उनका पूरा नाम है ली एंड्रयू प्रीस्ट मैक कटच्योन। इनका जन्म न्यूकासल ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था 6 जुलाई 1972 में। तो बचपन से ही ली प्रीस्ट को इंटरेस्ट आने लग गया था बॉडी बिल्डिंग के अंदर, कारण उनकी मदर थी, क्योंकि उनकी मदर भी एक कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर थी जिसके साथ में ली प्रीस्ट ट्रेन करा करते थे, और 12 साल की उम्र में ही उन्होंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर दी थी। तो सिर्फ एक साल की ट्रेनिंग में ही और अपनी ग्रैंडफादर की मदद से ली प्रीस्ट ने 13 साल की उम्र में ही सिर्फ अपना पहला बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन लड़ा, जो कि था सिडनी बॉडी बिल्डिंग क्लासिक 1986 की बात है ये, और उन्होंने जीत लिया। तो ली प्रीस्ट ने अपना पहला कॉम्पिटिशन 13 की उम्र में लड़ा और उसे जीत लिया, और उसके बाद फिर वो नहीं रुके, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया इस वजह से काफ़ी अच्छा, और ली प्रीस्ट लगातार कम्पीट करते रहे अपनी टीनेज के अंदर और कई सारे उन्होंने शोज जीते। 17, 18, 19 साल की उम्र में उन्होंने IFBB का मिस्टर ऑस्ट्रेलिया शो खेला और उसको भी उन्होंने 3 बार जीता, पर दिक्कत क्या थी कि टीनेजर होने के कारण उनको प्रो कार्ड नहीं मिल पा रहा था IFBB की तरफ से। 17 साल की उम्र में ही ली प्रीस्ट ने IFBB का वर्ल्ड एमेचर चैंपियनशिप खेला लाइट वेट कैटेगरी के अंदर, उसके अंदर उनकी पोजीशन रही थी 4th। फाइनली ली प्रीस्ट ने जब वो 20 साल के हुए तो उन्होंने IFBB का नाइग्रा फॉल्स चैंपियनशिप खेला, जिसमें वो प्रो कार्ड लेने में सफल रहे और उनको अपना प्रो कार्ड मिल गया था सिर्फ 20 साल की उम्र में। तो ये एक रिकॉर्ड है ली प्रीस्ट ने जो करके दिखाया, इतनी कम उम्र में आज तक कोई नहीं कर पाया, यानी प्रो कार्ड इतनी कम उम्र में आज तक किसी ने नहीं लिया है। तो 1993 का वो ईयर था जिसमें ली प्रीस्ट IFBB के प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन गए थे। इसके बाद ली प्रीस्ट ने फिर आगे कम्पीट कर IFBB के दूसरे शोज में, पर उनकी ज्यादा अच्छी प्लेसिंग आ नहीं रही थी। मेजर फैक्टर इसके पीछे रहा ली प्रीस्ट की कम हाइट का होना। ली प्रीस्ट एक शॉर्ट बॉडी बिल्डर रहे हैं और उनकी हाइट रही है 5 फीट 4 इंचेस की। हालांकि ली ये बात कहते हैं कि वो अपनी फैमिली में सबसे टॉलेस्ट है, उनकी फैमिली में और भी उनसे कम हाइट के लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि जब आप छोटी हाइट के साथ में कंपीट करते हो तो दूसरे बॉडी बिल्डर्स को उसका एडवांटेज हो जाता है, और इसी वजह से ली प्रीस्ट ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं ला पा रहे थे दूसरे कॉम्पिटिशन में बॉडी बिल्डिंग के, IFBB के कॉम्पिटिशन में। तो अगर वो टॉप प्लेस सिक्योर नहीं करेंगे तो फिर वो ओलंपिया के लिए कैसे क्वालिफाई होंगे, और यही कारण था कि उनको टाइम लग गया मिस्टर ओलंपिया में आते आते। 97 का फाइनली वो ईयर था जब ली प्रीस्ट ने डेब्यू करा मिस्टर ओलंपिया के अंदर, और 25 साल की उनकी एज थी उस टाइम पे, और वो एक काफ़ी उनका रिमार्केबल पोजीशन मानी जाती है मिस्टर ओलंपिया की, क्योंकि उस टाइम पे उनकी 6th पोजीशन आई थी डेब्यू करते ही, और ये उनकी लाइफ की बेस्ट पोजीशन भी मानी जाती है। इसके कारण क्या हुआ कि ली प्रीस्ट का एक काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा बॉडी बिल्डिंग के ऊपर, और लोगों ने उनको नोटिस करना शुरू कर दिया, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री ने उनको नोटिस करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब यह है कि वो लोगों की नज़रों में आने लग गए। उसके बाद क्या हुआ कि फिर 97 में 6th पोजीशन रही उनकी, फिर उसके बाद सन 2000 में भी उनकी 6th पोजीशन रही मिस्टर ओलंपिया में, 2002 में भी यही रहा। तो ली प्रीस्ट की आज तक की बेस्ट पोजीशन भी 6th ही मानी गई है। तो दोस्तों 2003 का मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन ली प्रीस्ट का लास्ट कॉम्पिटिशन था मिस्टर ओलंपिया में ही, हालांकि उसके बाद उन्होंने IFBB के कई सारे कॉम्पिटिशन खेले हैं, पर मिस्टर ओलंपिया में ली प्रीस्ट 2003 के बाद से कभी दिखाई नहीं दिए। और ओवरऑल अगर उनका IFBB का करियर देखा जाए तो 16 साल का रहा है, बट उनका मिस्टर ओलंपिया का सिर्फ करियर जो है वो काफ़ी छोटा रहा है, उसमें उन्होंने कोई ज़्यादा कम्पीट नहीं करा। दोस्तों अब मैं अगर आपसे बात करूँ ली प्रीस्ट की बेस्ट विन्स के बारे में, तो वो उनकी मानी गई है सबसे पहले 2002 की थी सैन फ्रांसिस्को प्रो, उसमें उनकी पोजीशन फर्स्ट रही। उसके बाद नेक्स्ट 2005 का ग्रैंड प्रिक्स ऑस्ट्रेलिया जो उनके ही देश में हुआ था कॉम्पिटिशन, उसमें वो फर्स्ट आए थे। और सबसे ज़्यादा जो उनकी सराहनीय जीत जिसको माना जाता है, सबसे अच्छी उनकी बॉडी जिसमें मानी जाती है, सबसे अच्छी उनकी फिजिक कही जाती है, वो थी 2006 का आयरन मैन प्रो। इसमें उनकी डेफिनेटली फर्स्ट पोजीशन तो आई थी, लेकिन ली प्रीस्ट की जो शेप मानी जाती थी उनकी लाइफ की सबसे अच्छी शेप मानी जाती थी 2006 की। तो ये इनके कॉम्पिटिशन थे IFBB की, और इसके बाद हालांकि उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक भी लड़ा 2006 का, लेकिन इसके बाद ली प्रीस्ट का करियर खत्म हो गया। एक तरह से तूफान आ गया उनकी लाइफ के अंदर, क्योंकि हुआ क्या कि IFBB ने ली प्रीस्ट के ऊपर लाइफ टाइम का बैन लगा दिया। इसके पीछे क्या रीज़न है ये जानते हैं। देखिए ली प्रीस्ट ने क्या किया कि उन्होंने राइवलरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्पीट कर लिया, जो कि थी उसमें नाइट ऑफ चैंपियंस, PDI नाइट ऑफ चैंपियंस, और ये शो था 2006 का जिसमें उन्होंने साइन कर दिया था इस शो को बिना IFBB के परमिशन के। और IFBB का ये रूल है कि अगर आप उनके साथ में जुड़े हुए हो और आप किसी राइवलरी ऑर्गेनाइजेशन में कम्पीट करते हो तो IFBB आपको बैन कर देगी। तो यही कुछ हुआ ली प्रीस्ट के साथ में, जब उन्होंने नाइट ऑफ चैंपियंस में कम्पीट कर लिया 2006 के उस शो में, तो IFBB ने उन पर 9 महीने का बैन लगा दिया। अब 9 महीने के बैन के तहत फिर 2006 में वो उनके बस के बाद कम्पीट नहीं कर पाए। 2007 में फाइनली उनका बैन ख़त्म होना था जुलाई के करीब, लेकिन ली प्रीस्ट ने आर्ग्यू करना शुरू कर दिया IFBB के साथ में कि अपने बैन को लेकर, तो शायद गुस्से में आके IFBB ने उन पर 2 साल का बैन लगा दिया। 2 साल बाद यानी कि 2008 में ली प्रीस्ट को अपना प्रो कार्ड वापस मिल गया था जो IFBB का उनका प्रो कार्ड था, लेकिन ली प्रीस्ट ने उसके बाद कभी कम्पीट ही नहीं कराया IFBB के किसी भी शो में, और गुस्से में आकर शायद, लेकिन IFBB ने भी फिर यही करा कि उन्होंने उनको लाइफ टाइम बैन उनके ऊपर लगा दिया। तो ली प्रीस्ट अब IFBB के प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं है।
तो लगभग 7 साल तक ली प्रीस्ट ने फिर कम्पीट नहीं करा 2006 के बाद से। उस टाइम पे ली प्रीस्ट ने सीरियल्स वगैरह में काम करा, ऑस्ट्रेलियन जितने भी जो टीवी सीरियल्स आते हैं उसमें वो काम करते थे, या मूवीज़ के अंदर हल्क जो मूवी थी उसके अंदर भी उन्होंने कुछ काम करा था। तो 2013 में ली प्रीस्ट ने फिर नेबा मिस्टर यूनिवर्स में कम्पीट करा, एमेच्योर कॉम्पिटिशन में, उसमें फर्स्ट आए वो, तो एक तरह से मिस्टर यूनिवर्स चैम्पियनशिप जीत गए वो। तो अब वो फिलहाल नेबा से सर्टिफाइड है, नेबा के लिए काम करते हैं, नेबा के बॉडी बिल्डर है वो। 2014 में भी फिर उन्होंने स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस करी यूनिवर्स चैम्पियनशिप के अंदर, उसके बाद से फिर ली प्रीस्ट ने कभी कम्पीट नहीं करा। 2015 में ली प्रीस्ट ने WFF के साथ में कंबाइन होके, उनके साथ में जुड़ के एक ली प्रीस्ट क्लासिक ऑस्ट्रेलिया ये शुरू करा। WFF भी एक बॉडी बिल्डिंग की ऑर्गेनाइजेशन ही है, ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी बिल्डिंग की। तो 2015 में फिर ली प्रीस्ट ने ली प्रीस्ट क्लासिक शुरू कर दिया, और उसमें वो एमेच्योर कॉम्पिटिशन्स और जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं सब लोग वो कम्पीट करते हैं उसके उस बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में, और जो भी जीतता है उसको प्रो कार्ड मिल जाता है WFF का, ना कि IFBB का। तो दोस्तों ये तो हो गई ली प्रीस्ट के बॉडी बिल्डिंग करियर की बात, लेकिन अब ये चीज़ बहुत कम लोग जानते होंगे कि ली प्रीस्ट एक बॉडी बिल्डर होने के साथ साथ एक रेसिंग एंथुसियास्ट भी है, यानी उनको रेसिंग करने का बहुत शौक है, कार रेसिंग का उनको बहुत शौक है। 2002 में ली प्रीस्ट ने कार रेसिंग करनी शुरू कर दी थी, उसके बाद फिर वो ड्रैग रेसिंग भी करने लग गए, या सर्कल रेसिंग जो भी होती है रेसिंग के कई सारे वो टाइप करने लग गए, तो रेसिंग में काफ़ी अच्छे रहे हैं, उनका करियर रेसिंग में काफ़ी सही रहा है, तो उनको काफ़ी पैशन है कार रेसिंग का। और 2005 में और 6 में उनको काफ़ी बड़े बड़े शायद अवार्ड्स भी मिले थे रेसिंग के लिए। तो ये बात शायद बहुत कम लोग आप में से जानते होंगे कि ली प्रीस्ट एक बहुत अच्छे कार रेसर भी है। ली प्रीस्ट की अगर मैं बॉडी की बात करूं या उनकी फिजिक के बारे में बात करूं, तो देखिए हम सब जानते हैं कि वो एक छोटे हाइट के बॉडी बिल्डर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनका मसल मास रहा है वो बहुत ज़्यादा रहा है। अगर आप देखें उनके आर्म्स जो थे वो उनके सबसे ज़्यादा उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, वो अपने फोर आर्म्स के कारण काफ़ी ज़्यादा जाने जाते थे। उनके फोर आर्म्स लगभग 20 इंच या 21 इंच के थे और उनके आर्म्स 22 इंचज़ के थे, जो 5'4" की हाइट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा साइज़ है। ली प्रीस्ट हमेशा से अपने शोल्डर्स, अपने ट्राइसेप, आर्म्स, फोर आर्म्स के लिए जाने गए हैं, और ये उनकी लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट था जब वो अपने आर्म्स को ट्रेन करा करते थे। तो उस टाइम पे वो बता रहे थे कि उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा बॉडी बिल्डिंग के बारे में, तो जो भी उनके बॉडी पार्ट्स है वो सारे काफ़ी कंप्लीट उनकी बॉडी रही है, लेकिन छोटी हाइट होने के कारण उनको कभी ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं मिल पाई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स के अंदर, और काफ़ी एक अंडररेटेड बॉडी बिल्डर के रूप में जाने जाते हैं वो, क्योंकि उनको किसी ने इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करा उनके करियर के दौरान। हालांकि काफ़ी हार्ड वर्किंग बॉडी बिल्डर भी माने जाते हैं वो, पर इतने नोटिस में नहीं आ पाए वो। ली प्रीस्ट की एक सबसे ज़्यादा नोट करने वाली बात ये रही है कि वो ऑफ सीज़न के दौरान काफ़ी ज़्यादा बल्की हो जाते थे, वो इतना ज़्यादा अपने ऊपर फैट इकट्ठा कर लिया करते थे कि उनको देख के सही में नहीं लगता था कि वो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, लेकिन कंपटीशन के टाइम पे वो एकदम रेडी रहते थे हमेशा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑफ सीज़न में आप कितना अपना वेट गेन कर रहे हैं, मैटर करता है कि आप कंपटीशन के दिन रेडी है कि नहीं। उस टाइम पे ली प्रीस्ट हमेशा रेडी रहते थे। दोस्तों ली प्रीस्ट की अगर मैरिटल स्टेटस के बारे में बात की जाए, तो उन्होंने 1 जुलाई 2000 में उन्होंने कैथी प्रीस्ट नामक एक बॉडी बिल्डर से शादी करी थी, तो ये है उनका मैरिटल स्टेटस। ली प्रीस्ट से जब पूछा जाता है कि आपके करियर में आपको सबसे अच्छी फिजिक किसकी लगती है, तो वो कहते हैं कि डोरियन येट्स, नेसल एलसंबाटी या पॉल डिलेट, अगर मैं इनके जैसा बन पाऊँ फिजिक वाइज तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। तो ये उनके एक तरह से आइडल्स कह सकते हो या रोल मॉडल कह सकते हो आप, ली प्रीस्ट को बॉडी बिल्डर्स पसंद है। ली प्रीस्ट का मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जब वो 17 साल के थे तो वो अपनी मदर के साथ में उन्होंने एज अ कपल उन्होंने कम्पीट करा था बॉडी बिल्डिंग शो में, क्योंकि उनकी मदर भी एक कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर थी, तो ली प्रीस्ट ने वो चीज़ भी कर रखी है और उसमें वो फर्स्ट आए थे अपनी मदर के साथ। उनकी मदर अपने उसमें कैटेगरी में फर्स्ट आए थे और ली प्रीस्ट भी फर्स्ट आया करते थे उस टाइम पे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उन्होंने अपनी मदर के साथ में एज अ कपल बॉडी बिल्डर उन्होंने कम्पीट करा था, ये काफ़ी एक स्ट्रेंज फैक्ट है। तो दोस्तों ली प्रीस्ट से पूछा जाता है कि उनकी फेवरेट एक्सरसाइजेज कौन सी है, तो वो कहते हैं मेरी कोई भी फेवरेट एक्सरसाइज नहीं है। नहीं तो अक्सर बॉडी बिल्डर्स को शौक होता है आर्म्स को ट्रेन करने का या बैक शोल्डर, कुछ ना कुछ तो होती है, पर ली प्रीस्ट की कोई भी फेवरेट एक्सरसाइज नहीं रही। ली प्रीस्ट से पूछा जाता है कि आपकी लीस्ट फेवरेट एक्सरसाइज फिर कौन सी है, वो कहते हैं सारी। वो कहते हैं मेरे को अपनी बॉडी में कोई भी एक्सरसाइज को, कोई भी बॉडी पार्ट को ट्रेन करना अच्छा नहीं लगता। तो ये काफ़ी स्ट्रेंज सी बात है उनके बारे में कि वो इस टाइप से सोचते हैं। ली प्रीस्ट से पूछा जाता है कि आपका फेवरेट बॉडी पार्ट कौन सा है, तो वो कहते हैं मेरा हर्ट। और साथ ही साथ उनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा है। ली प्रीस्ट की खासियत ये है कि वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो किसी से डरते नहीं, और जो उनके मन में होता है वो एकदम कूल तरीके से बता देते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से और स्ट्रेटली, ना किसी से बिना किसी से डरे वो जो उनके मन में होता है बता देते हैं। ली प्रीस्ट अपने ओपननेस के कारण बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, तो ये एक उनकी काफ़ी अच्छी खासियत मानी जाती है, वो कभी डरते नहीं है, और इसी कारण से जो भी किसी के बारे में बोलना हो तो वो स्ट्रेट अवे बोल देते हैं। जैसे अभी फिलीत ने कुछ टाइम पहले आर्नोल्ड के लेग्स के बारे में कमेंट करा था कि आर्नोल्ड के पास लेग्स नहीं है, तो ली प्रीस्ट ने एकदम जमकर विरोध करा था फिलीत का उस चीज़ पर, वो बात ठीक है।
तो वो डरते नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब है, ये उनकी खासियत है। तो कुछ इसी टाइप का उनका कैरेक्टर रहा है, उनकी नेचर रही है। और तो और ली प्रीस्ट के जो लाइफ फैक्ट्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं, क्योंकि 13 साल की बहुत छोटी उम्र में उन्होंने कम्पीट करा था अपना पहला शो और जीत भी गए थे। दूसरा, उनकी मदर भी एक कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर थी और उन्होंने उनके साथ में पोजिंग करी थी, साथ में एज अ कपल पोजिंग करी थी। और तीसरा ये था कि उन्होंने IFBB का प्रो कार्ड बहुत ही कम उम्र में हासिल कर लिया था, सिर्फ 20 साल की उम्र में। साथ ही साथ उनकी IFBB के साथ में दुश्मनी होना, ये भी कोई नहीं करता, IFBB के साथ कोई दुश्मनी नहीं मोलता भाई, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन दुश्मनी करेगा। पर ली प्रीस्ट डरते है ही नहीं, और इसी वजह से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो उनसे प्रो कार्ड छीन लिया गया है और वो प्रो बॉडी बिल्डर नहीं है IFBB के, तो इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपनी लाइफ में जैसे हैं वो खुश हैं। और ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ली प्रीस्ट प्रोफेशनल कार रेसर है, ड्रैग रेसिंग में वो माहिर रहे हैं। ली प्रीस्ट के साथ में अभी भी एक दिक्कत भी हो गई थी कि क्या हुआ कि 10 अक्टूबर को वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे हर्ट इन्फेक्शन के कारण, उनके हर्ट की इनर लाइनिंग के अंदर इन्फेक्शन हो गया था, जिस वजह से उनको 9 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। पर उसके बाद सक्सेसफुली उन्होंने रिकवर करा और वो अब सही हैं बिल्कुल। तो दोस्तों, फाइनली हमें ली प्रीस्ट से क्या सीखने को मिलता है? देखिए, ली प्रीस्ट ने हमेशा से अपनी लाइफ में वही करा जो उनके दिल ने कहा। उन्होंने हमेशा से हेटर्स की कभी उन्होंने परवाह नहीं करी और जो उनके मन में आता है वो करते हैं, और जिस चीज़ के बारे में उनको बोलना होता है उस चीज़ के बारे में खुल के बोलते हैं। वो सेंसिटिव टॉपिक्स या जो टॉपिक्स के बारे में दूसरे बॉडी बिल्डर डिस्कस नहीं करते, वो उसके बारे में भी खुले तरीके से बिल्कुल डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ मेरे को उनकी काफ़ी पसंद आई कि वो अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंट रहे हैं हमेशा से ही, और जो उनके दिल ने कहा उन्होंने हमेशा से अपनी बात सुनी है और खुल के बात करते हैं जो भी करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही था ली प्रीस्ट के बारे में। आपको जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊँ ये भी आप मेरे को बता सकते हैं। हालांकि मैं फ्लेक्स व्हीलर पे बनाना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास कोई और आइडिया हो तो आप मेरे को दे देना। तो अगली बार फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।